नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीटी 2022 का आज पहला शिफ्ट का पेपर हो गया है, तो उसी के सिलसिले में मैं आपको आंसर की आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ये मैं कोड नंबर 04, जो ये कोड आपके पेपर का 04 है, उसका आंसर मैं डिस्कस करूँगी। तो आप देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बढ़े चलो कैंपेन जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, स्काईलाइट। क्या हो जाएगा, स्काईलाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद पांचवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, छठे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो छठे का आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद सातवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आईडी मद्रास। आई होप आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आठवें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपके नौवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद आपके दसवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तेरहवें क्वेश्चन का आंसर आपका, बारहवें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद तेरहवें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्टींथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद फोर्टींथ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्टींथ का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आपका फिफ्टींथ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्टींथ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अपने सिक्सटींथ पे चलते हैं, नौटंकी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सिर्फ मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्या है, 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। इसके बाद आप हम नौवें क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19th का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 19th का आंसर डी हो जाएगा। 20th का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इसके बाद 21st का आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 23। तो ये 23, और ये आप एक बार वो कर लीजिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा वो कर लूँगी। आप बस देख लीजिए कि क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं और आपके आंसर जितने मैंने मैच करे हैं, बताए हैं, वो सही हैं कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने मैथ्स के पोर्शन पे, मैथ्स वाले पोर्शन पे। 27th का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 27th का सी हो जाएगा। देखिए आपका सही है, क्या है 27th का, यहाँ से देख लीजिए 27th का आंसर सी हो जाएगा, 0.6%। इसके बाद आपका 28th का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 68.33। इसका 29th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 29th का आंसर आपका डी हो जाएगा, 26.66 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 30th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30th का आंसर आपका डी हो जाएगा, 109:151। इसके बाद हम 31st पे चलते हैं। 31st का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करे हैं क्योंकि मुझे लगा कि आपको सही आंसर बता देना चाहिए, आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता चल जाए। फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं 47th का आंसर क्या होता है हमारा। तो 47th के आंसर में सबसे पहले देखेंगे कहाँ से, आप जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए कि आपका आंसर क्या रहा है। अच्छा देखिए 47th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47th का सी हो जाएगा। आप बस देखते रहिए आपका मैच कितना हो रहा है और कितने आंसर्स आपके सही हैं। 48th का क्या हो जाएगा, 48th का डी। 49th का बताइए, 49th का ए सही है क्या आपका। 50th का, 50th का ए हो जाएगा। आई होप आपके सारे आंसर सही हो रहे होंगे। इसके बाद 51st का क्या हो जाएगा आपका, 51st का डी हो जाएगा, विनोबा भावे। 52 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर 53 पे आते हैं, 53 का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुगल एम्परर, दैट इज मुगल सम्राट। चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं 54th क्वेश्चन पे। 54th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बी हो जाएगा। इसके बाद 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा। 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद फिर मूव करते हैं अपने 57th क्वेश्चन पे। ये कोड नंबर 04 का आंसर की है तो आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 57 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 58th का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 59th का आंसर क्या हो जाएगा, 59th का आंसर बी हो जाएगा। 60th का आंसर मतलब 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 61st मतलब 61वें का आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राथमिक। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर ए हो जाएगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 65 का आंसर क्या है, ए है। 65 का आंसर क्या है, सॉरी डी है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। 66 का आंसर क्या है, 66 का आंसर बी है, क्या है, बी है। इसके बाद फिर 67 का आंसर क्या है, सी है, दैट इज़ आईसीआईसीआई बैंक। इसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। 68वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 68वें क्वेश्चन का आंसर आपका, एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 69th का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए। 70वें का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 71वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 71वें का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 72वें पे आते हैं, 72वां क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है, तो हम सभी को पता है इसका आंसर ग्रीन गैस हो जाएगा। इसके 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर्स आ कितने रहे हैं, कितना आप स्कोर कर रहे हैं। बस थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन छोड़ के और सभी आंसर्स आपके मैंने दे दिए हैं। मैथ्स का मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप मैच कर लीजिएगा। 76 का क्या आंसर है, 76 का आंसर जो है ये करीबन करीबन आपका कितना आ रहा है, ए मतलब 30 आ रहा है। और इसके बाद 77 का आंसर सी है, 100 आ रहा है। और 78 का आंसर सी आ रहा है, मतलब जिसका 20% आ रहा है उसका सही है। इसके बाद फिर 79, इसमें आपका कितना आंसर आ रहा है, जिसका बी आंसर है वो एकदम करेक्ट है, जिनका बी आंसर आ रहा है 50 उनका वो एकदम करेक्ट है।
फिर 80वीं का क्या है आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 81वीं का क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, 81 का ए हो जाएगा, सेल्यूलोज, क्या सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। जो जिन्होंने ए मार्क किया है उनका बिल्कुल सही है आंसर। इसके बाद फिर हम हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी में आपका सबसे पहले 82वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। इसके बाद 83 मतलब 83वें का डी है। इसके बाद आपका 84 का क्या है, 84 का आपका डी है। इसके बाद 85 का क्या है, 85 का आपका आंसर सी है, क्या है सी है। फिर 86 का आंसर क्या है आपका, ए है। आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितना आपका स्कोर बन रहा है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 87 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन्होंने 88 के आंसर में क्या करा है, बी ऑप्शन लगाया है, उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 89th में जिन्होंने कौन सा आंसर लगाया है, डी लगाया है, उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने 90 में लेक्सिकोग्राफी लगाया है, बिल्कुल सही है उनका। इसके बाद 91 में, इसको हमने अभी नहीं करा है तो ये मैं करके ज़रूर आपको बताऊँगी। इसके बाद फिर आपका 92 का आंसर डी हो जाएगा, 92 का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर आपका डी हो जाएगा, शुक्रवार। इसके बाद 94 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 94 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने 95वें क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 95 का जो आंसर है ये आपका डी है। इसके बाद 96 का आंसर क्या है आपका, तो 96 का सी है। और फिर इसके बाद 97 पे चलते हैं हम। 97 का आंसर क्या है आपका, तो ये सी है, क्या है सी है। इसके बाद 98 का आंसर क्या है, तो ये बी है, ठीक है, क्या है ये बी है। इसके बाद 99 का आंसर क्या है, तो 99 का आंसर ए है। जिन्होंने ए मार्क किया उनका बिल्कुल सही है। और 100 का आंसर क्या है आपका, 100 का आंसर क्या है, ये आपका डी है, इज़राइल, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही है और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें।